इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। सेखावटी की आओ भगत कैसी लगी आपकी? सेखावटी की आओ भगत तो हमेशा से बहुत ही प्यारी रही है। आशीर्वाद दे दो सर, आशीर्वाद के लिए कह रहे हैं बच्चे को। सर, निकाय चुनाव में आपके कार्यकाल को बहुत जबरदस्त सराहना मिली है, क्या मानते हैं? आम जनता का, मतदाताओं का आशीर्वाद रहा है, कार्यकर्ताओं का उससे उत्साह से काम करना काम आया और बहुत बड़ी विजय हुई है और परिणाम आएंगे कल, तो अब देखेंगे अधिकांश जगह पर कांग्रेस जीतेगी और जीते स्वाभाविक भी है। जनता का मूड मालूम पड़ता है राजस्थान में कि धारा 370 हटाने की बात, राम मंदिर की बात, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तमाम बातें उन्होंने करी वो अपनी जगह ठीक हो सकती है, परंतु इस रूप में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो बार बार सी शिवनी की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे, जनता ने उनको करार जवाब दे दिया है कि आप ये बातें करना छोड़ो, देश की दिशा में जा रहा है, लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है और अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, नौकरी लग दे रही है, नौकरियां जा रही है और शेखावटी से ज्यादा लोगों को कौन समझ सकता है कि नौकरी का महत्व क्या होता है, क्या झुंझुनू हो, सीकर हो, चूरू हो, सबको मालूम पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नौकरियां लगने वाली बात है, नौकरियों के लिए इच्छुक लोग हैं, उस शेखावटी के नौजवान साथी हमारे हैं, आज उन पर क्या बीत रही होगी, देश में क्या हो रहा है, सब चिंतित थे देश के अंदर, इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव कैंपेन के अंदर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उनका पूरा कैंपेन जो है वो 370 राम मंदिर, राष्ट्रवाद, इस पे केंद्रित रहा था, तो उनको जवाब मिल गया है। अब उनको सही चाहिए कि देश हित के अंदर जनता का जवाब महाराष्ट्र में मिला, हरियाणा मिल गया है, अब उनको चाहिए कृपा करके हम पे कृपा करो और अर्थव्यवस्था ठीक कैसे हो सकती है उन पर ध्यान दो, जिससे कि व्यापार धंधे आगे बढ़े, नौकरी लगनी प्रारंभ हो, नौकरी जाए नहीं, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जिससे देश का भला हो, ये मेरा मानना है। शरद पवार आपके सबसे वो मैं कह चुका हूँ, बहुत बड़ा स्कैंडल है ये, 5,000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड जमा हुए हैं, 90% से अधिक हुए बीजेपी के पास हुए, ये आंकड़े आ रहे हैं, सरकार को चाहिए वो बताए सच्चाई क्या है, जो आंकड़े आए हैं ये सही है क्या, और इस प्रकार से 90% आप आंकड़े जो बॉन्ड दोगे, एक तरफा लोगे आप, तो आप डेमोक्रेसी के अंदर तमाम पार्टियों के फंडिंग को आप ब्लॉक कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, आप हमें चंदा दो या नहीं तो कोई बात नहीं, पर आपने अपोजिशन पार्टियों चंदा क्यों दिया, ये परंपरा पहली बार हम देखने को मिल रही है। इस प्रकार से अगर शासन करेंगे लोग, दबाव में आपको मालूम ईडी भी, सीबीआई भी और इनकम टैक्स सब दबाव में ही, जुडिशरी, तो देश की दिशा में जाएगा, जवाब देना चाहिए लोगों को, इसलिए बहुत ही हालात खराब है, गंभीर स्थिति में देश गुजर रहा है। आम जनता को मैं अपील करना चाहूँगा कि और छात्रों को, नौजवानों को, समय रहते हुए संभल जाओ, सोशल मीडिया की जो टीमें हैं बीजेपी की उस चक्कर में बताओ, खुद देखो गूगल में क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, उस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए, उसके बाद में अपनी सोच बनानी चाहिए, मेरी नौजवानों से अपील है, क्योंकि आने वाला कल उनका है, ये मेरा निवेदन है कि अगर वो समय पर नहीं चेते, पता नहीं देश की दिशा में जाएगा।